हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन डज द हवर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9. अब हमें इसमें यहाँ पे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन की फ्रैक्शन बताना है हमें कि ऑफ अ क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना, घूमना, कि जब क्लॉक जो आवर एंड होती है, जो घड़ी की सुई होती है, जब वन रिवॉल्यूशन एक क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन घूम कर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, या देन इतना 3 से 3 to 9, 3 से 9 पे जाएगी, देन उसका फ्रैक्शन क्या होगा. जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे एक घड़ी बना लेते हैं. ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. अब ये हो गई. अगर हमारी 3 से 9 पे जाती है, जैसे हमारी है जो क्या है, हमारी अवर एंड जो है घड़ी की सुई जब 3 से 9 पे जाती है, तो फ्रैक्शन उसका क्या होगा. पहले हमारी घड़ी की सुई 3 पे थी एंड 9 पे जब वो पहुंच गई, तो उसका फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन होगा ये हमसे पूछा गया है. तो हम सबसे पहले देखेंगे वन रिवॉल्यूशन. वन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है घड़ी का एक चक्कर पूरा. जैसे 12 पे है, वापस 12 पे आ जाएगा, तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा. वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू 12 पार्ट. इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 12 पार्ट हैं. तो वन रिवॉल्यूशन पूरा चक्कर एक कितने पार्ट के बराबर होगा, कितने स्टेप के इक्वल होगा, 12 स्टेप्स के इक्वल होगा. अब हमारी अगर जो वॉच है, घड़ी की सुई है, वो 3 से 9 पे जाती है, देन हमें यहाँ पे फ्रैक्शन बताना है इसके ए पार्ट में, कि जब 3 से 9 पे जाएगी, 3 to 9, देन व्हाट फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शन क्या होगा हमारा. तो जब भी हम लिखते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी नंबर को ए अपॉन बी के रूप में लिखना. ये क्या होता है, न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसको हम कहते हैं. तो डिनोमिनेटर में जो होता है वो होल पार्ट, किसी भी जो जिसका भी हमें फ्रैक्शन लिखना है उसका होल पार्ट लिखना है. जैसे अगर यहाँ पे टोटल पार्ट क्या है, यहाँ नीचे क्या होता है, टोटल पार्ट, एंड जितना मूव की है ये घड़ी की सुई, जितने स्टेप आगे बढ़ी है, जितने पार्ट आगे मूव की होगी, वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे. ऊपर यानी हम क्या लिखेंगे, जितने पार्ट मूव की होगी, एंड नीचे टोटल पार्ट. अब हमें यहाँ पे बताना है कि 3 से 9 पे जाएगी तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा. तो नीचे टोटल कितने पार्ट हैं, अ रिवॉल्यूशन में टोटल पार्ट हैं 12, एंड ये मूव कितना की गई है, कितने स्टेप आगे बढ़ी है, 3 से, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप आगे बढ़ी है. देन ऊपर हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 6. अब देखिए 6 के टेबल में 12 आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देन इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/2. ऐसे इसका बी पार्ट है कि जब 4 to 7, जब घड़ी की सुई 4 से 7 पे जाएगी, जैसे पहले घड़ी की सुई 4 पे थी एंड वो जब 7 पे पहुंच गई, देन इसका फ्रैक्शन क्या होगा. जब 4 से 7 पे पहुंच जाएगी तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल पार्ट, एंड न्यूमरेटर में क्या होगा, ये कितना मूव की है, 4 से 5, 5 से 6, तो 1 2 3, 3 पार्ट मूव की है, देन हम क्या लिख देंगे, 3/12. अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 3 के टेबल में 12 आता है, देन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन व्हाट विल बी गेट, 1/4. तो जब 4 से 7 पे घड़ी की सुई जाएगी, देन हमें क्या फ्रैक्शन मिलेगा, 1/4. एंड कम टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 7 to 10. जब हमारी घड़ी की सुई 7 पे हो एंड कहाँ पे पहुंच जाए, 10 पे पहुंच जाए, 7 से 10 पे
पहले यहाँ 7 पे थी एंड 10 पे पहुँच गई, कितने स्टेप आगे बढ़ी, 1 2 3, 3 स्टेप आगे बढ़ी, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने स्टेप आगे बढ़ी है, 3 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में क्या हम लिखते हैं, 12, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट, एंड जितना स्टेप आगे मूव की होगी वो हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन 1 अपॉन 4, डी पार्ट है इसका, 12 to 9, 12 to 9, अब अगर हमारी घड़ी की सुई कहाँ पे है, पहले 12 से है, 12 पे है एंड वो कहाँ पे पहुँच गई, 9 पे पहुँच गई, देन हमें क्या फ्रैक्शन मिलेगा, तो ऐसे जैसे हमने ऊपर किया है डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, नीचे टोटल पार्ट, टोटल पार्ट क्या है 12, एंड अब कितना मूव की है, क्लॉक वाइज हमें चलना है, ये नहीं कि हम यहाँ से जोड़ के 3 लिखते हैं, हमने क्लॉक वाइज जाना है, पहले 12 से 1 पे जाएगी, देन 2 पे जाएगी, देन 3 पे, देन 4 पे, देन कितने स्टेप, 9 तक जाने में कितने स्टेप लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन 3 अपॉन 4, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा एंड इसका ई पार्ट है, ई पार्ट क्या है, 1 to 10, 1 to 10, पहले हमारी घड़ी की सुई कहाँ पे है, 1 पे, वन पे है एंड जब 10 पे पहुंच जाएगी तो कितना पार्ट कवर, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि जब 1 से 10 पे पहुंची तो एक रिवॉल्यूशन का कितना फ्रैक्शन ही जो है, रिवॉल्यूशन कितना मूव की है, अब 1 से 10 पे गई है, देन हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये कितने स्टेप आगे बढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप आगे मूव हुई है एंड ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, जितना मूव हुई होगी ऊपर लिखेंगे एंड नीचे टोटल पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं, 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन 3 अपॉन 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट हम जाएंगे 6 to 9, 6 to 3, इसका एफ पार्ट है 6 to 3, अब हमारी घड़ी की सुई कहाँ है, 6, एंड वो कहाँ पे पहुंची, 6 से 3 पे गई, 6 से 3 पे गई, अब हमें क्लॉक वाइज जाना है, इट्स मीन क्लॉक वाइज इधर 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, क्लॉक वाइज ऐसे मूव करेगी, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज किसे कहते हैं, क्लॉक वाइज वो होता है जब घड़ी की घूमने की डायरेक्शन में घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसे हम कहते हैं क्लॉक वाइज, एंड घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में कहें तो वो होता है एंटी क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी जो है 12 से 1, 1 के बाद 2 ऐसे घूमती है तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज, लेकिन अगर हम इसका विपरीत उल्टा कर दें कि अगर 12 से 11 अगर ये होगा तो ये दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घूमती है वो क्लॉकवाइज। अब हमें 7 से 3, 7 से 3 पे जाएगी, कितने स्टेप आगे जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप आगे जाएगी, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन 3 अपॉन 4, हमें क्या क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, 3 अपॉन 4, ओके, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12, अब हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि अगर हमारी घड़ी जो है 12 से स्टार्ट होगी एंड हाफ रिवॉल्यूशन, वो हाफ रिवॉल्यूशन आगे मूव करेगी, हाफ रिवॉल्यूशन हाफ चक्कर लगाएगी, देन व्हाट विल हैंड, देन हमारी जो हाफ रिवॉल्यूशन लगाने के बाद वो कहाँ पे स्टॉप करेगी, किस नंबर पे स्टॉप करेगी,
वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, अब कहाँ से स्टार्ट करती है, 12, अगर ये हमारी घड़ी की सुई कहाँ पे है, 12 पे है, एंड मेक्स हाफ रिवोल्यूशन, अगर वो हाफ चक्कर लगाती है तो वो कहाँ पे स्टार्ट करेगी, देन पूरा चक्कर 12 के बराबर, हाफ चक्कर कहाँ पे आएगा, 6 पे आएगा, देन अ रिवोल्यूशन आर रिवोल्यूशन इक्वल टू 12 पार्ट आर रिवोल्यूशन, एक पूरा रिवोल्यूशन जो है वो 12 पार्ट के इक्वल है, देन हाफ रिवोल्यूशन कितने पार्ट के इक्वल होगा, देन हाफ इंटू 12, हाफ रिवोल्यूशन ऑफ आ रिवोल्यूशन, आर रिवोल्यूशन कितने का है, 12 स्टेप, देन हम यहाँ पे 12 पार्ट लिख देंगे, 2 6 12 सिक्स पार्ट, इसका मतलब जब हमारी घड़ी की सुई कहाँ से 12 से स्टार्ट होगी एंड हाफ रिवॉल्यूशन का जब वो मूव करेगी तो कहाँ 6 पार्ट जो है आगे जाएगी, 6 स्टेप आगे जाएगी, देन 1 2 3 4 5 6, इट्स मीन हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, 6, देन हम यहाँ पे लिख देंगे इट स्टॉप्स एट इट स्टॉप्स एट 6, एंड बी पार्ट है इसका स्टार्ट एट 2, अगर वो 2 से स्टार्ट करे मान लीजिए घड़ी की सुई जब 2 से स्टार्ट करे एंड हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, अगर वो हाफ रिवोल्यूशन चलती है तो वो कितने स्टेप आगे मूव करेगी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हाफ रिवॉल्यूशन जो है कितने पार्ट के इक्वल होता है, हाफ रिवॉल्यूशन इंटू 12, जब भी हमें ऐसे फ्रैक्शन में दिया है एंड टोटल पार्ट से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, हाफ इंटू 12, देन 2 6 12, इट्स मीन्स 6 पार्ट वो आगे मूव करेगी, तो अगर घड़ी की सुई हमारी 2 पे है एंड 6 पार्ट आगे मूव करेगी, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे आ जाएगी, 8 पे, देन हम यहाँ पे वी कैन से दैट इट स्टॉप्स एट 6, एट सॉरी इट स्टॉप्स एट 8, एंड सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टार्ट एट 5, 5 से वो स्टार्ट करे घड़ी की सुई एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, एंड एक चक्कर का 1/4 मूव कर जाए, देन वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, देन सबसे पहले हम देखेंगे 1/4 जो है कितने पार्ट के बराबर होगा, 1/4 टोटल पार्ट कितने हैं हमारे, 12, 1/4 जो है टोटल कितने पार्ट के बराबर होगा, देन 4 3 12, इट्स मीन 1/4 जो है 12 3 पार्ट के इक्वल होगा, 1/4 3 पार्ट के इक्वल होगा, एंड घड़ी की सुई हमारी कहाँ पे, 5 पे, जब घड़ी की सुई 5 पे है अगर हमारी घड़ी की सुई 5 पे है एंड 1/4 कितने पार्ट के इक्वल हुआ, 1/4 3 पार्ट के इक्वल, देन हम 3 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3, देन हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 8 पे, इट मीन्स इट स्टॉप्स एट 8, एंड डी पार्ट स्टार्ट ऑफ एट 5, अब हमें 5 से स्टार्ट करना है एंड 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, एंड कितना चक्कर लगाना है, 3/4, अब पहले हम देखेंगे 3/4 एक अ रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन का कितना पार्ट होगा, देन 3/4 इंटू 1 रिवोल्यूशन का ये कितना पार्ट है, तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 12 पार्ट,
तो जितने हमें इसमें क्या करना है, जितना भी फ्रैक्शन दिया है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, तब हमें पता चलेगा वो कितने स्टेप आगे मूव करेगी। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, इट्स मीन हमें 9 पार्ट आगे मूव करना है। तो हमारी घड़ी की सुई कहाँ पे है? 5 पे। अगर 5 से स्टार्ट करती है एंड 3/4 स्टेप आगे मूव करती है, इतना चक्कर लगाती है, देन ये किसके बराबर है? 9 के। देन 9 पार्ट हम आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड कहाँ पे पहुँच जाएंगे? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 5 के बाद से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कहाँ पे पहुंच गए? 2 पे। देन वी राइट हेयर इट स्टॉप्स एट 2। तो जब 5 से स्टार्ट करेगी घड़ी की सुई एंड 3/4 रिवॉल्यूशन घूमेगी, देन वो कहाँ पे पहुंच जाएगी? 2 पे। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज? अब हमें इसमें क्लॉकवाइज घूमना है, तो टोटल डायरेक्शन कितनी होती हैं? टोटल 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो सबसे पहले हम इसका ई पार्ट देखेंगे। ये ई पार्ट क्या हो गया? ये ई पार्ट है, ए पार्ट है इसका। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन सबसे पहले ईस्ट साइड के, इधर साइड को क्या कहते हैं? ईस्ट। ये होती है वेस्ट, ये नॉर्थ, ऊपर साइड जो होती है अप पे क्या होती है? नॉर्थ, एंड डाउन में साउथ। अब अगर हम जो है ईस्ट की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, हमारा फेस किधर है? ईस्ट की ओर, एंड हाफ रिवॉल्यूशन हमें यहाँ से हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज घूमना है, देन हमारा फेस किधर हो जाएगा, किस साइड हो जाएगा? वे अब सब हाफ रिवॉल्यूशन हम घूमेंगे टोटल। इसमें देखिए ये क्या है, इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 4 पार्ट। 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 4। इसमें देखिए ये 1 2 3 एंड 4। अब 1 रिवॉल्यूशन 4 पार्ट के इक्वल है, एंड हमें कहाँ कितना मूव करना है? हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। देन पूरा टोटल अ रिवॉल्यूशन का हाफ कितना होगा? देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन कितने पार्ट के इक्वल है? 4। 4 पार्ट के इक्वल है, देन हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 पार्ट। इट्स मीन हाफ रिवॉल्यूशन कितने? 2 पार्ट के इक्वल होगा। देन अगर हम यहाँ पे ईस्ट में हमारा फेस है, हमें कितने स्टेप आगे जाना है? 2 स्टेप। देन 1 यहाँ पे 2 स्टेप यहाँ पे। अब हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? वेस्ट की ओर। देन हमारा फेस किधर हो जाएगा? वेस्ट की ओर। और हमें किधर मूव करना है? क्लॉक वाइज। इसमें किधर मूव करना है? क्लॉक वाइज। घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे 12 12 से 1 1 से 2 इस दिशा में चलती है, तो हम ऐसे जाएंगे क्लॉक वाइज। बी पार्ट है इसका। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हमें यहाँ पे देखिए मूव करना है 1 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ। अब सबसे पहले ये इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे, 3/2। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले 2 को 1 2 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, एंड यहाँ न्यूमरेटर में जो लिखा होता है उसको ऐड किया जाता है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2 हो जाएगा। अब हमें 3/2 पार्ट आगे बढ़ना है, 3/2 फ्रैक्शन में दिया है, 3/2 टोटल कितने पार्ट के बराबर होगा? टोटल पार्ट है हमारे पास 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4
एंड 3 2 जो 6, कितने पार्ट आ गए, 6 पार्ट। सबसे पहले जो फ्रैक्शन में, हमें इन क्वेश्चन में यही करना है, जो फ्रैक्शन में है उसको टोटल अ रिवोल्यूशन के से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अ रिवोल्यूशन एक चक्कर में जितने पार्ट होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जब हमें वाज दी गई थी उसमें टोटल 12 पार्ट थे, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते थे, बट इसमें 4 पार्ट हैं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पार्ट, सबको सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम देखेंगे वो कितने स्टेप आगे बढ़ेगी। देन हम यहाँ पे इस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 पार्ट आए। इट्स मीन हमें यहाँ पे अगर वो उसका मुंह किधर की ओर है, ईस्ट में आपका मुंह है, देन हमें 6 स्टेप आगे जाना है और क्लॉकवाइज चलना है यहाँ पे। देन हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ स्टेप आगे गए, एंड यहाँ पे तक 4 हुआ, ये 1 2 3 4, देन 5, देन 6। जब हम 6 स्टेप आगे गए, देन हमारा कहाँ, यहाँ पे पहुँच गए, एंड हमारा मुंह किधर की ओर होगा, वेस्ट की ओर। यहाँ पे क्या आएगा, वेस्ट। यहाँ पे भी अगर हम हाफ स्टेप आगे गए थे, देन हमें क्या मिला था, वेस्ट। एंड अब हम सी पार्ट देखेंगे, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इसमें कह रहा है कि इफ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट, अगर आपका फेस जो है वेस्ट से स्टार्ट करो, एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। अगर आपका फेस वेस्ट की ओर है, एंड 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, तो 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन में कितने पार्ट हैं, 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पार्ट, 4 × 4, 4 × 4 एंड 3 × 3। अब हमें कितने स्टेप आगे चलना है, अब यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, सी पार्ट में हमसे कहा गया है कि हम अब हमें एंटी क्लॉक मूव करना है, एंटी क्लॉक घूमना है। अगर हम वेस्ट पे यहाँ पे खड़े हैं, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज 3 स्टेप आगे जाना है। ये क्या होती है, क्लॉकवाइज, एंड अगर हम इधर मूव करें, देन ये क्या कहलाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के जिस दिशा, विपरीत दिशा में घूमना हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वेस्ट में खड़े हैं, सबसे पहले जाएंगे 1 3 स्टेप हमें आगे जाना है, ये 1 2 एंड 3, हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, नॉर्थ में। देन हमारा फेस किस साइड हो जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ। जब हमारा फेस साउथ में होगा, एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हमारा अगर हम इधर की ओर साउथ की ओर मुंह करके खड़े हैं, एंड हमें फुल रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो क्लॉकवाइज जाएं या हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं, मान लीजिए हम इधर से, यही इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, जैसे ही आएंगे 4 चारों पार्ट को कंप्लीट करेंगे, तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, एक चक्कर हमें यहाँ पूरा लगाना है। तो यहाँ से गए और वापस जहाँ पे आए थे वहीं पे खड़े हो गए, देन हमारा फेस किधर ही होगा, साउथ की हो रही होगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉक वाइज टू फेस नॉर्थ। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन बताना है कि अगर आप ईस्ट में खड़े हैं, एंड क्लॉक वाइज फेस टर्न क्लॉक वाइज टू फेस नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की साइड जाते हैं, तो आपका क्या फ्रैक्शन होगा, और क्लॉक वाइज आपको मूव करना है। देन ए पार्ट है इसका, या ये क्या होता है, इधर ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, एंड इस साइड होता है साउथ। अब अगर हम, हमारा फेस पहले किधर है, अगर हम ईस्ट की ओर फेस करके खड़े हुए हैं, ईस्ट की ओर फेस, एंड टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमें घूमना है, क्लॉक में क्लॉकवाइज कैसे, जैसे कोई भी क्लॉक होती है, 12 6 3 9, तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ईस्ट दिशा में घूमती है, तो इसको क्लॉक कहते हैं, क्लॉकवाइज। ईस्ट टर्न क्लॉकवाइज
टू फेस नॉर्थ। अब हमें यहाँ से टर्न करना है और कहाँ पे आना है, नॉर्थ पे। यहाँ पे आएंगे ईस्ट से। अगर हमारा मुंह पहले किधर किधर की ओर फेस करके खड़े हैं, ईस्ट की ओर खड़े हैं, एंड हमें नॉर्थ की ओर यहाँ से मूव करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में आएंगे देन हम यहाँ पे आएंगे। तो हम जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं अब हमें यहाँ व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग, देन व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हमें बताना है। यहाँ पे पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू, अ पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन जब भी हम फ्रैक्शन में करते हैं नीचे क्या करते हैं, ए अपॉन बी के रूप में लिखते हैं। तो टोटल पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर में हमें टोटल पार्ट लिखने होते हैं। टोटल पार्ट 1, 2, 3, 4, टोटल पार्ट 4 है, एंड हम कितना मूव किए हैं, 1, 2, 3, 3 पार्ट मूव किए हैं। देन क्या पार्ट होगा, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। एंड बी पार्ट है इसका, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हमारा फेस अगर साउथ पे है एंड हमें क्लॉकवाइज टर्न करना है ईस्ट की ओर। अब हम अगर यहाँ पे हमारा फेस है एंड टर्न करना है हमें कहाँ पे, ईस्ट की ओर क्लॉकवाइज जाना है, देन हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कितने स्टेप आगे हम गए, 3 स्टेप। देन क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, कि जितने स्टेप आगे जाएंगे वो ऊपर लिखेंगे, 1, 2, 3, 3 स्टेप आगे गए, नीचे क्या होता है, टोटल पार्ट। एंड थर्ड है सी, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब अगर आप वेस्ट की ओर आपका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर खड़े हुए हैं, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, एंड वापस आपको वेस्ट की ओर खड़े हैं एंड ईस्ट पे जाना है। जब आपका फेस पहले किधर है, वेस्ट की ओर, एंड आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, कहाँ जाना है, ईस्ट पे, देन आपका फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा। तब आपका रिवॉल्यूशन क्या होगा, देन टू, टोटल आप कितने पार्ट मूव किए, 1, 2, एंड टोटल नीचे कितना होगा, 4, टोटल 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट मूव किए, देन क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, इट्स मीन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। इट्स मीन यू टर्न हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। जब आप 3 से 6 पे जाएंगे तो कितने राइट एंगल्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 से 6 राइट एंगल किसे कहते हैं, जब राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। जब किसी भी एंगल कि मेजरमेंट क्या हो 90 डिग्री, देन वो क्या कहलाता है, राइट एंगल। तो जब आप 3 से 6 पे जाएंगे तो कितने, हाउ मेनी राइट एंगल्स, तो कितने एंगल्स जो हैं वो बनेंगे, ये आपसे पूछा गया है कि जब 3 से 6 पे जाएंगे आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 to 6, आपकी घड़ी की सुई पहले 3 पे थी एंड वो कहाँ पे पहुँच गई, 6 पे पहुँच गई। अब राइट एंगल कैसे बनता है, जब एक लाइन हो एंड इस पे बिल्कुल सीधा ये ऐसे जाता है तो राइट एंगल बनता है। एंड जब हम इससे मेजर करेंगे 90 डिग्री आएगा। अब हमें पूछा गया कि अगर 3 से 6 पे, तो हमने जब यहाँ पे बनाया तो देखा कि यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ओनली एक राइट एंगल बन रहा है, पर हम इसे कैसे जानेंगे। देखिए, वन रिवोल्यूशन जो होता है, वन रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, वन रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। वन रिवोल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल होता है एंड इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट हैं। वन रिवोल्यूशन 12 पार्ट के भी इक्वल होता है, देन 12 पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। वन पार्ट इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 12, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 60, देन वन पार्ट इक्वल टू 30 डिग्री। अब इट्स मीन, अगर जैसे घड़ी की सुई 12 से है, 12 पे है एंड 1 पे आएगी तो कितने डिग्री बनेंगे, जब एक पार्ट के बीच का एंगल क्या होगा, 30 डिग्री है, एक पार्ट का एंगल 30 डिग्री। हम 2 पे जाएंगे देन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 3 पे आएंगे तब हमें 90 डिग्री होगा। इट्स मीन 3 पार्ट इसके किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। तो जब भी घड़ी की सुई जो है 3 स्टेप आगे मूव होगी, देन वो किसके इक्वल हो जाएगी, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। तो जब 3 to 6 जाएगी ए पार्ट में, 3 to 6, 3 to 6, देन यहाँ पे कितने स्टेप आगे हुई है, 1, 2, 3। इट्स मीन यहाँ पे कितने राइट एंगल बनेंगे, 1 राइट एंगल। ऐसे ही जब 2 से 8 पे जाएगी बी, अब ये घड़ी की सुई हमारी कहाँ पे थी, 2 एंड 2 से जब 8 पे जाएगी तो पूरी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180। अब 180 यहाँ पे कितने, ये देखिए 1, 2, 2 राइट एंगल यहाँ पे बनेंगे। अब हम कैसे जाने, यहाँ पे 1 पार्ट इक्वल टू 30 डिग्री, तो कितने राइट एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे 2 एंड 8 के बीच में कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट, और 3 पार्ट में 1 राइट एंगल बनते हैं, तो 6 पार्ट में कितने एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल। ऐसे सी है 5 to 11, फाइव टू अलेवन। अब 5 से 11 पे जाएगी तो कितने राइट एंगल बनेंगे, तो हम ऐसे देख के भी जान सकते हैं, ये देखिए 1, ये 2, 2 राइट एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। एंड देखिए 6 स्टेप ये आगे गई है, इट्स मीन ये यहाँ पे कितने राइट एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल। इट्स मीन 2, जब घड़ी की सुई 5 से 11 पे मूव करेगी, 11 तक जाएगी, देन 2 राइट एंगल बनेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने राइट एंगल बनेंगे, 2 एंड डी पार्ट है 10 to 1।
अब यहाँ पे घड़ी की सुई 10 पे है एंड 1 पे जाएगी, कितने स्टेप आगे जाएगी, 1 2 3, 3 स्टेप आगे गई। 3 स्टेप किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री। इट्स मीन यहाँ पे 3 से 1 की स्टेप, जब 3 स्टेप आगे जाएगी मूव करेगी, देन 1 राइट एंगल यहाँ पे मेक होगा, 1 राइट एंगल बनेगा। एंड ई पार्ट है इसका 12 to 9, 12 to 9, अब घड़ी की सुई हमारी कहाँ है, 12 पे, एंड 12 से जब ये 9 पे जाएगी तो कितने राइट एंगल बनेंगे, देखिए सबसे पहले 1 2 3, 3 3 पार्ट मिलके 1 राइट एंगल बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल, फिर 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतने मिलके 2 राइट एंगल बनाएंगे, फिर 1 2 3, यहाँ पे मिलके 3 राइट एंगल, टोटल कितने एंगल, 1 2 3 थी, यहाँ पे कितने एंगल बन गए, 3 राइट एंगल। अब ई तक हमने करवा दिया है, ऐसे ही एफ पार्ट आपको यह होमवर्क में है, ये आपको खुद से करना है। तो इस एक्सरसाइज के 5 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है, एंड वी विल कवर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास। एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। And thank you very much for watching this video.